चीन को लद्दाख, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अब दुनिया के कई बड़े देश एकजुट हो रहे हैं। अपनी इसी खींच को मिटाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि चीन को यहां भी मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि चीन की सेना ने पिछले कुछ दिनों में 100 के करीब फाइटर जेट्स ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजे। ताइवान ने कहा कि चीन ने उसके हवाई क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण किया है। ताइवान ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि ऐसा करके चीन ने सीधे अमेरिका को भी चुनौती दे दी है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इतने बड़े हवाई अतिक्रमण के बाद भी चीन ताइवान का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया, और आखिर ताइवान के पास ऐसा कौन सा कवच है जिसे चीन अभी तक नहीं भेद पाया है। हाल ही में चीन की सेना ने अमेरिकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए ताइवान के खिलाफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि चीनी विमानों ने ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया है, जो इस इलाके में ताइवान का सबसे बड़ा सहयोगी है। लेकिन चीन का यह शक्ति प्रदर्शन उसी पर भारी पड़ गया। ताइवान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी विमानों को खदेड़ने के लिए अपने फाइटर जेट्स भेजे और मिसाइलों को तैनात कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर से चीनी वायुसेना लगातार ताइवानी हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसपैठ कर रही है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चीन के 100 विमान घुसपैठ कर चुके हैं। चीन ने 1 अक्टूबर को 38, 2 अक्टूबर को 39 और 3 अक्टूबर को 16 फाइटर जेट्स ताइवान की हवाई सीमा में भेजे। इनमें परमाणु बॉम्बर H-6, Sukhoi-30 फाइटर जेट और J-17 शामिल हैं। लेकिन ताइवान ने भी तुरंत इस चीनी घुसपैठ का जवाब दिया। आपको बता दें कि ताइवान के मुद्दे पर चीन जितना आक्रामक है उतना ही कमजोर भी है। चीन भले ही ताइवान पर दादागिरी दिखाता हो, पर असल में वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीन और ताइवान के बीच 1949 से विवाद चला आ रहा है, जिसकी वजह से ताइवान की पहुंच अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक नहीं है और उसे सीमित अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। दुनिया के सिर्फ 15 देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। चीन ताइवान को अपने से अलग हुआ हिस्सा और एक विद्रोही प्रांत मानता है। साल 2005 में चीन ने अलगाववादी विरोधी कानून पारित किया था, जो चीन को ताइवान को बलपूर्वक मिलाने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि अगर ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है तो चीन की सेना उस पर हमला कर सकती है। लेकिन कई सालों के तनाव और धमकियों के बाद ताइवान ने एक रणनीति खोज ली है, जिससे वो चीन के हमलों से बचता रहा है। ताइवान की ये रणनीति सिलिकॉन शील्ड की तरह काम करती है। ताइवान के लिए ये एक ऐसा हथियार है जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता है। ये ताइवान का एक अहम उद्योग है, जिस पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर मेडिकल उपकरण उद्योग तक निर्भर है। ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, और माना जाता है कि इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। ये ऐसे खास चिप होते हैं जिन पर सेमीकंडक्टर सर्किट बनाए जाते हैं। ये चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। दुनिया के लगभग सभी तकनीकी उत्पादों की जान इन्हीं चिप्स में बसती है। इसके अलावा ताइवान ने अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी अतिक्रमण का मुकाबला किया है। ताइवान सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही खरीदता है। अमेरिका ने कहा है कि ताइवान अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसके लिए वो मदद जारी रखेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि चीन की वो इस हरकत से भी नहीं रुकने वाले हैं।